हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। आज मैं उन बच्चों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चे खाना खाने में बहुत नाटक करते हैं या उनको वेजिटेबल फ्रूट कुछ भी पसंद नहीं आता है, तो उनको किस तरीके से एक हेल्दी चीज़ खिलाएं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। एक कप मूंगफली के दाने, एक आलू और गर्म पानी में इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको आधे घंटे हो गए भिगो दिया, तो पानी निकाल लेंगे और इसको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर। अब जो आलू उसके पीस कट कर लेंगे, यहाँ पे हरी मिर्ची 3, गाजर और चुकंदर हम यहाँ पे डालेंगे। चुकंदर बहुत हेल्दी होता है, इससे खून बहुत बढ़ता है, तो ज़रूर यूज़ करें। अब यहाँ पे आलू डाल दिए और मैंने डाला है जीरा, इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे जो ओट्स आते हैं, 1 कप ओट्स और 1 छोटा कप के करीब मैंने यहाँ पे सूजी डाली, ये बारीक वाली सूजी है। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये सूजी ओट्स ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसको आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं और ये एक बूंद तेल से बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो देख रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने सूजी और ओट्स डाले हैं वो भी इस बैटर के साथ अच्छे से फूल जाएंगे, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये मिक्स हो चुका है तो यहाँ पे डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। वैसे मैंने 2 चम्मच इसमें नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने बेकिंग पाउडर, ये 1 टी स्पून है जो हम चाय पत्ती का चम्मच यूज़ करते हैं वो डाला है, तो उतना ही अंदाजे से आप डालिए। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बेकिंग पाउडर और नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और ये बेकिंग पाउडर आप तभी डालें जब आपको तुरंत इसको बनाना, पहले से मिक्स करके ना रखें। तो अभी इसको मिक्स करने के बाद मैंने पहले से ही गैस में पैन चढ़ा दिया था और इसमें 1 या आधा चम्मच हम तेल ग्रीस कर देंगे जिससे कि जब हम इसको फैलाएंगे बैटर को तो ये चिपकेगा नहीं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल, जो भी हेल्दी ऑयल आप खाते हो घी, वो इसमें लगा सकते हैं। अब 1-1 चम्मच हम इसमें बैटर जितना हमें ज़रूरत है और जितना मोटा पतला ऐसे फैलाना है उस हिसाब से हम बैटर इसको डालेंगे, और बैटर को थिक ही रखना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा पतला कर सकते हैं, पर ठीक रखेंगे तो ये बहुत ही एकदम परफेक्ट तरीके से फैल के तैयार होगा। तो देख रहे हैं, इसके चारों साइड में पूरे बैटर को अच्छी तरीके से इक्वल तरीके से फैला दूंगी, और इसको आप चाहें तो चौकोर बना सकते हैं, राउंड रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो इसका वैसा आप बना सकते हैं। और देख रहे हैं ना, ये दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा डिलीशियस लगता है, उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी है। तो अब ये नीचे का साइड पक चुका है तो थोड़ा सा 1 चम्मच तेल यहाँ पे डाल देंगे, तो थोड़ा ये नीचे का नाश्ता क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पैचुला से इसको ऐसे कर लेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी पलट सकते हैं, बट आप ऐसे पलटेंगे तो हो सकता है टूट जाए, तो इस तरीके से प्लेट लगा के और प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसको इस तरीके से पलट देंगे तो ये एकदम परफेक्ट हमारा बनके तैयार होगा। और थोड़ा सा तेल और डालेंगे, आपकी इच्छा है तो आप तेल डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा, बच्चों को कुरकुरा पसंद आता है, क्रिस्पी पसंद आता है, इसलिए मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो अभी नीचे के साइड भी ये अच्छे तरीके से पक चुका है, देख रहे हैं, और इसका कलर कितना डिलीशियस आया, तो इसको प्लेट में रख लेते हैं और दूसरा भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ही हेल्दी एक बूंद का नाश्ता बनके तैयार है, और इसको हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है, और इसमें जो मूंगफली के दाने हमने यूज़ किए उसका जो क्रंच होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है, और बच्चे इसको बिल्कुल भी खाने से मना नहीं करेंगे। आप अगर एक बार खिलाएंगे तो वो बार बार मांगेंगे। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, जो एक बूंद नाश्ते से हेल्दी रेसिपी, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, और पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन को प्रेस कर ना, ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।